नमस्कार, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में आपका प्यारा दोस्त इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का शुभचिंतक डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आपके बीच। बहनों और भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का करिश्मा अब किसी जिले, तहसील, गांव, प्रदेश या राज्य का नहीं रह गया, बल्कि अब पूरे देश में और विदेश में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की गूंज हो रही है। कारण कुछ भी हो, उस कारण की एक कड़ी हम और दूसरी कड़ी आप स्वयं हैं। हमारे आपके बीच ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है, इसका पूरा रिकॉर्ड भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय तक पहुंच रहा है, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो किसी भी मंच पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के एंजाइम सिद्धांत को आपका ये प्यारा दोस्त साबित करने के लिए तत्पर है। जब कभी भी एंजाइम्स बनाम जैव ऊर्जा, जिसके बारे में मैंने कल दिन में वीडियो जारी किया, हमारे एक युवा साथी बार बार जैव ऊर्जा कह रहे थे। जैव ऊर्जा की प्रतिक्रिया भी एंजाइम्स के द्वारा होती है। शरीर में जो भी जैव ऊर्जा का निर्माण होता है किसी भी जीव में, वहाँ भी बिना एंजाइम्स की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज शरीर में होती हैं वो एंजाइम्स के द्वारा ही होती हैं, और हर एंजाइम्स के कार्य करने की क्षमता अलग होती है। और सबसे बड़ी विशेषता एंजाइम्स की होती है कि 1000, 2000 या 20000 या 1,00,000 एंजाइम्स एक साथ मिला दिए जाए तो वो आपस में कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। इसी कारण से जब हम कई पौधों का मिश्रण इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों में करते हैं तो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का समावेश होने के बावजूद उसमें वही एंजाइम्स हमारे टारगेट सेल पर कार्य करता है जिसकी आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ विशुद्ध रूप से एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स की तरह ही इनकी क्रिया प्रणाली है, और एंजाइम्स के अलावा अगर कुछ और होती तो इनका एग्रावेशन या साइड इफेक्ट दिखाई पड़ता, क्योंकि एंजाइम्स बार बार मैं कहता हूँ कि एंजाइम्स ये एंडो एंजाइम्स हैं जिनको लैब में भी नहीं बनाया जा सकता। बायोएनर्जी तो हम तैयार कर सकते हैं किसी भी मेथड से, लेकिन एंडो एंजाइम्स जो प्लांट कोशिकाओं में स्वतः निर्मित होती हैं आवश्यकता के अनुरूप, उसको हम कहीं भी किसी लैब में नहीं बना सकते। इसी नाते किसी लैब में इसकी टेस्टिंग भी नहीं आती है, और अगर एंडो एंजाइम्स हम बना सकते तो शायद अब तक इसकी दवाएं अन्य चिकित्सा पद्धतियां आजमा चुकी होती हैं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नामो निशान न होता इस दुनिया में। और डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को सिर्फ एक ही चिंता रहेगी और एक ही चिंता से मैं जीता और जागता हूं कि हमारे देश में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अधिक से अधिक प्रैक्टिशनर्स बन करके सामने आए और समाज की सेवा करें। केवल दवा, रोग, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी संबंधित बातों की चर्चा हो, आपस में तकरार ना हो, आपस में सामंजस्य बना रहे, सभी चिकित्सक एक दूसरे का सहयोग करें। जूनियर साथी सीनियर साथी की सलाह ले सकते हैं, और सीनियर साथी अपने जूनियर साथियों को प्रेम स्नेह भाव बनाए रखें। यह आज के हमारे इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के समाज सेवी ग्रुप का पहला उद्देश्य है। अभी हमारे दिन में हमारे एक प्रिय साथी हैं राजकुमार मिश्रा जी गोरखपुर के, जिनका नाम इस पुस्तक में भी है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने गण परिषद का एक ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप में दो सज्जन तो लोग आपकी पुस्तक इन माय एक्सपीरियंस से बड़े परेशान हैं, और हमारे ग्रुप में बड़ी नोकझोंक हो रही थी। उन्होंने कहा कि फिर मैंने उसमें एक सवाल किया और उस सवाल का जवाब न दे करके वो लोग ग्रुप से शांत बैठ गए, और उसके पहले वो लोग आपके बुक पर बड़ी टीका टिप्पणी कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मिश्रा जी, इस देश में 1,30,00,000,000 लोग हैं, लगभग 1,25,00,000,000 लोग हमारे देश में निवास करते हैं, और ये कोई जरूरी नहीं कि मेरी पुस्तक से या मेरे विचारों से पूरा देश सहमत हो, या पूरा देश का तात्पर्य जितने इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हैं पूरे देश में। हम मान के अगर 5,00,000 इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का हम दावा करते हैं या हमारे विभिन्न संस्थाएं दावा करती हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं कि 5,00,000 लोग डॉक्टर श्रीवास्तव के हर विध से हर विचारों से सहमत हों। तमाम लोगों के अलग अलग अनुयायी होते हैं, अलग अलग उनके गुरु होते हैं, उनके संरक्षण में वो उनकी बातों को सीखने का प्रयास करते हैं। हमारी शरण में तो हताश निराश हमारे वो साथी हैं जिनको भटकाया गया, जिनको भुलवाया गया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, और ये कहा गया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का लेवल ले लो और करो चाहे जो। लेकिन मैंने उनको मोड़ किया, मैं उनको वापस लाया पटरी पर, उनकी ट्रेन को मैंने चढ़ाया पटरी पर क्रेन लगा करके, और अब उनकी ट्रेन उस पटरी पर अपने स्टेशन के गंतव्य तक बहुत अच्छी दौड़ रही है। तो अब जब मैंने उनको ट्रेन पर पहुंचा दिया है और ट्रेन उनकी चल रही है, तो स्वाभाविक है कि उनसे कुछ चिढ़ने वाले, उनके आसपास के लोग, उनके जानने वाले लोग, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले वो उन लोगों के अनुयायी रहे हों और बाद में मेरे भक्त बन गए हों, ऐसे तमाम साथी हैं जो पहले दूसरे लोगों के से
प्रेरित थे और मेरे क्लास को सुनने के बाद मुझसे संपर्क में आ गए। तीन मरीजों ने वार्ड के अंदर से आपस में सलाह करके मुझसे संपर्क किया और कहा कि हम लोग अपना खेत गिरवी रख के, अपने गहने गिरवी रख के इस संस्थान में आए और आज हम लोगों को चार दिन पाँच दिन हो गया, लेकिन 9 से 10% का फर्क नहीं और ये कहा जा रहा है कि चलते समय आपको 15 दिन या एक महीने की दवा दी जाएगी और इतना आपका खर्चा आएगा, बताइए मैं क्या करूँ। मैंने उनको आश्वस्त किया कि जब आप अपने घर पहुँच जाए तो मुझसे बात करें, मैं जो भरसक प्रयास हो सकता है इलेक्ट्रोहोमोपैथिक दृष्टिकोण से मैं वो करने का प्रयास करूँगा। मैं गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि मैं एक चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं बेहतर परिणाम देने का पूरा प्रयास करूंगा, वो भी इलेक्ट्रोहोमोपैथिक की औषधियों से, और निकटतम डॉक्टर के संपर्क में आपको निरीक्षण कराऊंगा और फिर उस डॉक्टर से मैं रिपोर्ट लूंगा, सलाह मेरी रहेगी, दवा आपको वहीं उपलब्ध हो जाएगी। तो अब बहुत से लोग, तमाम रोगी जो मेरे वीडियो को सुन करके या मेरे ऑनलाइन क्लास को सुन करके, आप सबको निःशुल्क अपना समय, अपना नेट बर्बाद करके आपके बीच आया हूँ, और अगर मैंने आपकी डिमांड पर ये सब, जो आलोचक है मेरे वो ये नहीं समझते हैं, वो समझते हैं मैंने बिजनेस के लिए किताब लिखा। जब मैंने किताब लिखा, प्रेस में पैसा खर्च किया, समय खर्च किया, तो उसका पैसा तो आएगा ही, फिर उसको आप बिजनेस मान लें या जो भी मान लें या मेरी मेहनत मान लें, लेकिन मैंने किताब तब लिखा जब लोगों ने मुझसे कहा कि आप लिखिए। मैंने किताब अपने मन से बेचने के लिए नहीं लिखा और मैंने वही कुछ लिखा जो आप चाहते थे, और मेरी किताबों की एडवांस बुकिंग हो चुकी थी, मैंने उतनी किताबें प्रेस से निकलवा लिया। हमारी किताब ऐसी थोड़ी कि आकर के मेरे घर में रखी और बिक नहीं रही है, हमारी किताबें तो ऑलरेडी जा रही, मैं तो भेजते भेजते परेशान हूँ। अभी भी देखिए, अगर दिखाऊँ, आज अभी शाम को 2 ऑर्डर आए, मैंने 2 पुस्तकें पैक कर दिया। हम तो पर डे यही हमारा काम है। हमारे साथी अगर हमारे पुस्तक की डिमांड कर रहे हैं, उनको हमारी किताब अच्छी लग रही है, हमारे तो बहुत से साथी अब तो पुरानी हमारी हैंडबुक और इसको दोनों एक साथ मंगवा रहे हैं। तो अब आलोचकों की आलोचनाओं से डर करके इलेक्ट्रोहोमोपैथी पर अपने प्रचार या प्रसार को हम रोक नहीं सकते। तो बहनों और भाइयों, हमारे चाहने वाले साथियों, आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप इलेक्ट्रोहोमोपैथी में अच्छा काम करें, अच्छा प्रचार और प्रसार करें, इलेक्ट्रोहोमोपैथी की ज्योति आप जलाएं। हमारा फोन कॉल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9793-2523। आप इस नंबर पर अपने रोगी से हमारी फोन कॉल या वीडियो कॉल करवा सकते हैं, रोग के बारे में सलाह ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को यहीं पर इजाजत दीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे, शुभ रात्रि।